सो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे है, मम्मी और पापा, तो वो सब हॉल में होते हैं, तो इसीलिए आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। और जब मुझे नई गाड़ी लेनी थी, सिटी बाइक, पहले मैं एक्सपल्स के बारे में सोच नहीं रहा था, तो सिटी बाइक जब लेनी थी तब मैंने पापा से पूछा था कि सिटी बाइक लेनी है तो कौन सी, तो उन्होंने बोला था कि पैशन ही ले ले, मतलब पैशन तो है, वो भी वही यूज़ कर रहे थे इतने सालों से, वो बार बार वही यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए पैशन नहीं तो कोई और स्प्लेंडर ले ले, नहीं तो कोई और ले ले, ग्लैमर ले ले, हीरो की गाड़ी ले, क्योंकि उनके लिए हीरो होंडा, जो पहले उनके ज़माने में हीरो होंडा था, जब मैं छोटा था तब भी हीरो होंडा ही था, तब उनके लिए हीरो होंडा ही एक बाइक है, बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड इज़ हीरो होंडा। वैसे टू बी फ्रैंक उनके लिए तो बाइक बाइक है, बस कम्यूटिंग का जरिया है, तो उनको इतनी बड़ी तामझाम की कोई ज़रूरत है नहीं, उनको बस एक नॉर्मल गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज अच्छा मिले और जिसमें अपना काम पूरा हो और मेंटेनेंस सबसे लो हो। तो उन्होंने अब तक बाइक देखी नहीं है, अभी उनको बाइक दिखाऊंगा और मे भी देखते चलाएंगे कि आई एम नॉट श्योर वो चलाएंगे क्या, क्योंकि तेंदुआ उन्होंने कभी चलाया नहीं है, ऑब्वियसली तेंदुआ बड़ा है, लेकिन लेट्स सी। पावर फोन खूब नहीं आता सर, बाहर नहीं थे ना, बोलिए हाँ ते मजा आना लगते हल्का, तो सवय नींद मल देती तेंदुआ। आज के दिन रुक जाओ, आज हम निकल रहे हैं एक्सपल्स के साथ, हमारे बादल भाई के साथ। बादल के लिए एक अच्छा कवर भी मंगाना है, तो वो भी मैं मंगाऊंगा, अभी सब कुछ करेंगे अपन, एक अच्छा कवर ढूंढ रहा हूँ मैं, तो जैसे ही मुझे मिलता है आप लोग को भी बताऊंगा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होने वाली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोरीवली पप्पा की दवाइयाँ लाने, क्योंकि बोरीवली में हमारे भैया का हॉस्पिटल है, और ये लाइट मैं ढक देता हूँ बिकॉज अभी कुछ काम है नहीं, तो जब भी काम पड़ेगा तब इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम मोजे लगा देंगे जो अपन ने वर्सेस के लाइट्स के लिए दिए थे। ओहो क्या बात है, सस्पेंशन बदला हुआ दिख रहा है मेरे को, बहुत कुछ बदला हुआ है। ये देखो ये फ़ोन की आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये देखो ये हेलमेट पहनो, इंटरकॉम ले लो। खैर सो लाइफ इज़ गेटिंग नॉर्मल, धीरे धीरे टाइम हील्स एवरीथिंग। अभी जो हो गया वो पुरानी बातें हैं, तो उसको पास ऑन करना पड़ेगा, मतलब इट्स डिफ़िकल्ट लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि लाइफ शुड मूव ऑन। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, डीएम किए हैं, कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो में इतने सारे कमेंट्स, थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के कंसर्न के लिए। काफ़ी लोगों ने उनको देखा भी था मेरे व्लॉग्स में, तो उनको थोड़ा ज़्यादा फील हुआ, आई नो मतलब होता है, ठीक है चलो लाइफ आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरे मॉम डैड जब हम लोग पूना के लिए निकले उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आ गए थे, लेकिन हम लोग वी आर सपोज टू कम बैक, लेकिन हम लोग आ नहीं पाए, और फिर वो पूना आके सबसे मिले और फिर वापस आ गए और फिर हम लोग आ गए, तो टुडे दे आर लीविंग बैक टू अकोला, तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, उसी दिन ले लेते जिस दिन हम बोरीवली गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। वाह वाह वाह, पहली बार 100 के ऊपर जा रही है हमारा बादल। ओहो हम लोग बोरीवली में आ चुके हैं और सुनने में आया है कि ये बिल्डिंग में रोहित शर्मा ने घर लिया है, क्या बात है, 360 डिग्री बालकनी है। ओहो भाई साहब एक्वेरिया ग्रैंड, क्या एंट्रेंस है। वैसे आपको ये व्लॉग में मेरी एनर्जी थोड़ी बेटर लग रही होगी, पिछले व्लॉग में मेरी एनर्जी थोड़ी कम थी, लेकिन अभी मैंने खुद को समझा लिया है कि अभी एनर्जी अपने को वापस लानी पड़ेगी, काम धंधे पर लगना पड़ेगा। और बॉम्बे में गर्मी जो है वो कड़क वाली शुरू हो चुकी है, पसीने आ रहे हैं हेलमेट के अंदर। और ये देखो एकसर मेट्रो स्टेशन, वाह हो गया बहुत से, तो काफ़ी काफ़ी हद तक हो गया है, बढ़िया। उड़ाते 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 हैं उड़ाते हैं। A few moments later. चलो तो एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया है, वैसे ये रहा हॉस्पिटल ट्रिनिटी हॉस्पिटल, ये देख सकते हैं, तो डॉक्टर राहुल देशमुख एंड डॉक्टर विशाखा देशमुख, जस्ट इन केस आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आ सकते हैं। बोरीवली वेस्ट ये देखो, तो भैया ऑर्थोपेडिक्स और भाभी है गायनेकोलॉजिस्ट, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हो, स्पेशली इफ़ यू लिव इन मुंबई। इंटरेस्टिंगली लेफ्ट में मारवे आइलैंड के वहाँ जाने का रास्ता है, मारवे नहीं सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, गोराई गोराई
तो आगे शायद से एक फेरी है और फेरी लेके फिर हम लोग गोरा ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो नज़दीक ही है, सोच रहा हूँ कि एक राउंड मार के देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। ओके, तो इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे। यहाँ से शायद से फेरी टर्मिनल है, यहाँ से आगे से फेरी मिलती है। ठीक है, बाद में कभी आके आराम से आपको दिखाएंगे। और ये रहा बोरीवली वेस्ट स्टेशन, क्या बात है, कितना अच्छा होता अगर मुझे चांस मिलता वहाँ पे ऊपर जाने के, आपको एक राउंड दिखाने का कि कैसा लग रहा है स्टेशन अंदर से। लो कर लो बात, मेट्रो की बातें करते करते मेट्रो की टेस्टिंग हमको दिख गई, क्या बात है, क्या खूबसूरत लग रही है यार। और ये अभी रुकी थी, अभी मूव हो रही है आगे, मस्त लग रही है। हम वेटिंग है मेट्रो कब शुरू हो जाए। वैसे ये दूसरी लाइन है, वो हमने देखी, वो येलो लाइन थी, ये है रेड लाइन, ये देखो रेड पट्टी बीच में, आई थिंक सो, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन लगता है रेड लाइन। वेल बिफोर टाइम थाने पहुंच गए, 4:05, सही है। तो हमने बादल अभी तक चल चुका है 756 किलोमीटर्स, सो सर्विसिंग के बाद 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुका है। देखो 208 फुल टैंक किया था, आधी टैंक अभी भी है। अभी कुछ और काम करने हैं बादल पे, जैसे कि कुछ स्टिकरिंग वर्क करना है अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, तो मुझे पता नहीं कहाँ करना है, लेकिन थोड़ा आइडियाज़ देखता हूँ ऑनलाइन और थोड़ा ट्राई करता हूँ कि कहाँ पे अच्छा दिखेगा। वैसे आप लोग के पास अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए, या तो कोई फोटो हो आपकी गाड़ी का जहाँ पे अच्छा स्टिकरिंग आपने किया है स्पेशली एक्सपल्स पे, तो मुझे DM ज़रूर करना, एक बार देख लेता हूँ, मतलब कैसा आइडिया मिल जाती है ना। चलो गन्ने का रस पी लेते, एक प्यास बुझ जाएगी। ऑल राइट, सो लाइफ इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। और कल मैं और पप्पा हम लोग गए थे मिस्टर DIY, क्योंकि वहाँ पे सामान पप्पा को भी लेना था, तो उसमें से मैंने ये चीज़ें लिए, इनफैक्ट ये लिए और ये लिए। आप लोग सोचोगे क्या है, तो ये काजू की पूप उठाने के लिए, ये ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिल रहा था, लेकिन मिस्टर DIY में 150 रुपये का मिला है। अच्छा ना, 150 के हिसाब से बहुत सही है। और ये दो चीज़ें, ये है अपना ऑयल का कैन, मतलब अपना ऑयलिंग करते हैं ना अपन, जैसे कि गियर लीवर फुटपैक उसको ऑयलिंग करते हैं, तो इसके लिए अच्छी है, मस्त मेटल के बेल्ट है। ये भी कुछ 150 या 125 रुपये की है, वर्थ इट, सही है। काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने ये ले लिया। और ये जो है, ये एक स्प्रे पेंट है, इसको अब तक मैंने खोला नहीं है। ये एक एक्रेलिक स्प्रे पेंट है ब्लैक कलर का, जो मैं काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो, अभी एक्चुअली मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो अपने लाइट्स है एक बादल पे, उसके जो ब्रैकेट्स है वो सिल्वर कलर के हैं, वर्सेस पे जो ब्रैकेट्स है वो भी सिल्वर ही थे, लेकिन उसको मैंने ऑलरेडी ब्लैक पेंट कर दिया था, मेहता साहब के पास था तभी, तो अभी मैंने ये ले लिया है। उसका जो ब्रैकेट्स है उसको ब्लैक करेंगे, तो उसको बाहर निकाल के इसे स्प्रे पेंट करेंगे, मस्त सुखा देंगे और फिर रख देंगे। तो ये इसे ले लिया है, और ये काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकता हूँ, तो एक होना चाहिए स्पेशली फॉर अ बाइकर, ब्लैक कलर का होना ही चाहिए। और एक चीज़ है ये, एक्चुअली लास्ट टाइम मंगाया था 10-15 दिन पहले, लेकिन वो गलत आ गया, तो उसको रिटर्न करते थे। ब्लाइंड स्पॉट मिरर फॉर बादल, एक्चुअली हर एक बाइक पे ये होना ही चाहिए, वर्सेस पे भी है, एक्सपल्स पे भी जाएगा। और ये कैसे वाला होना चाहिए, ये ऐसा इस पे लगाने के बाद ये ऐसा एडजस्ट होना चाहिए, ताकि अपना जो मिरर है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ, और इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इन लोग का मुझे अगर मिल गया तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं मिला तो फिर मिस्टर DIY में जाकर देख लेना, बट आई थिंक अमेजोन भी मिल गया तो मैं दे दूंगा। ये देखो, ये मैंने लगा दिया है कुछ ऐसा, मतलब इसके साथ ये अलग अलग हुआ था एक्चुअली, वर्सेस पे जो थोड़ा अलग है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लगाते हैं ऐसा, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे ये वाला पार्ट है यहाँ पे, मुझे क्लियर विजिबिलिटी चाहिए पीछे की, जो पीछे है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ। वर्सेस पे मैंने यहीं पे लगाया है, और इसको अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं, और थोड़ा बाहर के एंगल में लगाऊंगा, मतलब पूरा मिरर जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अगर मैं ऐसा लगाता हूँ तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए कोने में लगाऊंगा। तो इसको यहाँ पे कोने में ऐसा, नहीं 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 गलत लग गया, अरे हाँ बच गया, तो इसको ऐसा कोने में लगा देंगे, दैट्स इट। तो ये देखो, ये दोनों मिरर मैंने लगा दिया, और इसकी अच्छी बात ये है कि इसको बॉर्डर नहीं है, तो ये ऐसा दिखता नहीं है डायरेक्टली, मतलब ध्यान से देखे तो ये दिखता है दूर से, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए, काफ़ी वाइड है और काफ़ी बड़ा भी है। चलो ऑल सेट, अभी तेंदुआ का दिखाता हूँ। ये देखो, तेंदुए पे कुछ ऐसे वाले, ये भी अच्छे हैं, मतलब 2 साल के ऊपर हो गए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे हैं और स्टडी भी है। सडनली हफ्ते में धूप एकदम कड़क हो चुकी है, गर्मी ऐसा लग रहा है कि समर एकदम धपक से समर आ गया है, और सीट का कुशनिंग भी मुझे देखना है, उसके पहले एक राइड करनी पड़ेगी, उसके बाद में समझ में आएगा कि सीट की कुशनिंग कैसी है और उस पर कुछ और लगाना है कि नहीं लगाना, तो चलो आने वाले दिनों में अपन कर ही लेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, डू हिट द लाइक बटन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे लाइव अपडेट शुरू
है, मतलब अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। वैसे मेरे पेरेंट्स कल रात को अकोला चले गए हैं, तो हम दोनों मतलब हम तीनों ही घर पे हैं, मैं, ठकुरन जी और काजू। ठकुरन जी को मैं व्लॉग में ट्राई करता हूँ, लाने का ट्राई करता हूँ।